बिहार की वैशाली में बीजेपी के तेज तर्रार नेता मनीष शुक्ला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीजेपी में 3 दशकों तक वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अब माना जा रहा है कि मनीष शुक्ला राजनीतिक आशियाने को बदलने पर विचार कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि वो एक साथ सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि इसकी उन्होंने अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ मनीष शुक्ला जुड़ सकते हैं। मनीष शुक्ला ने हाजीपुर की गोल्डन कड़ी के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अब पहले वाली पार्टी नहीं रही, यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। 1990 से लगातार बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के दौरान उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसा अब लग रहा है। इन दिनों लगातार पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है और कई कार्यक्रमों में उन्हें पूछा भी नहीं गया है। मनीष शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, यही कारण है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन अभी वह किस पार्टी में जाएंगे इस पर अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि वह किस राजनीतिक पार्टी में जाएंगे। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की। हालांकि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने के सवाल पर कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, जैसा सभी लोग चाहेंगे वैसा किया जाएगा।